आंटी, हम लोग ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हैं और हम यहाँ पे एक सर्वे कर रहे हैं। तो मुझे आपको, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है जिसका नाम है प्रकृति। तो क्या बता सकते हैं? जी बता सकते। तो प्रकृति, जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हमारी एक अनोखी फिंगरप्रिंट होती है जो हर इंसान की अलग अलग होती है। तो ऐसे आयुर्वेद में एक प्रकृति होती है जो हर इंसान की अलग अलग होती है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, उनका स्किन कलर फेयर होता है, उनके बाल बहुत झड़ते हैं। तो हर इंसान पे ये डिपेंड करता है। जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो वो एक गुच्छे में निकलते होंगे, आपके बाल एक एक करके टूटते होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग वात से शुरू करते हैं आपके प्रकृति परीक्षण करने के लिए। तो वात में बेसिकली सबसे पहले लक्षण आता है कि क्या आपको आपके बॉडी में ड्राइनेस रहती है? रहती है, एड़ियां फटती हैं आपकी। जैसे ये बॉडी है ना, तो मतलब बॉडी लोशन लगाने से पहले आपकी जो नेचुरल स्किन है वो ड्राई है। ठीक है, और इसमें होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ही वो रफ है, मतलब जो स्कैल्प होता है वो ऑयली। तो कफ प्रकृति में जो बेसिकली जो इंसान होता है उसकी जो शरीर होती है वो मतलब फैलती है, मोटापा आ जाता है कफ में। वो किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है उसको काम करने में मोटापे के वजह से। और फिर कफ में आती है कि उस जो डाइजेशन पावर होता है उसका वो बहुत वीक होगा। आपको एक बार खा लिए तो आपको एक बार खाएं, फिर सुबह का खाए आपको भूख ही नहीं लगती है। बहुत आपका मेटाबॉलिज्म फायर जो होगा बहुत वीक होगा। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हैं, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट्स। हमें एक कॉलेज का प्रोजेक्ट मिला है तो मैं आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे कि इंसान की प्रकृति होती है वैसे ही आयुर्वेद में जो है, मतलब आपने ये सुना होगा कि उस इंसान का नेचर ऐसा है, तो वैसे आपके बॉडी का भी इंटरनली नेचर उस टाइप का है जो कि हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डिसाइडेड। तो उसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब आपका जो जब खाना खाने के बाद पाचन शक्ति, मतलब डाइजेशन हो जाता है अच्छे से? जी, डाइजेशन रिलेटेड मतलब ऐसा फूड क्या खाया है उस पर डिपेंडेंट होता है कि हमारा डाइजेशन कैसा है। आपकी बॉल मूवमेंट सही है, मतलब खाने के बाद कुछ घंटों बाद डाइजेस्ट ढंग से हो जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं आते ना? नहीं, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आती। इससे क्वेश्चन पूछा, ये किस रिगार्डिंग आप लोगों ने पूछा? लाइक आयुर्वेदा में प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये चीज़ होती है कि हम प्रकृति के हिसाब से ही इंसान को मेडिसिन प्रिफर करते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रकृति होगी उस पर औषधियाँ कुछ होती हैं जो वही सूट करेंगी। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की प्रकृति पता होगी तो हम उसे उस हिसाब से ही औषधि देंगे। जिससे देखिए, यहाँ पे मैं आयुर्वेद और एलोपैथी को कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ। एक्चुअली हमारा एक सर्वे प्रोजेक्ट है प्रकृति असेसमेंट पे, तो हम क्या आपका 5 मिनट ले सकते हैं? तो एक्चुअली हमारा टॉपिक है प्रकृति। प्रकृति बेसिकली होती क्या है कि जैसे हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, और वो जो उसकी इंडिविजुअलिटी होती है वो उसके बर्थ पे ही डिसाइड हो जाती है ड्यूरिंग द जायगोट फॉर्मेशन। उसी स्टेज पे उसकी जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी जो होती है वो डिसाइड हो जाती है। तो अब आयुर्वेदा में 3 टाइप की प्रकृति बताई गई है, वात पित्त और कफ, और इसी के कॉम्बिनेशंस होते हैं, या तो वो समदोषी हो सकता है या फिर वो दो दो का पेयर हो सकता है। तो अब कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो क्या कहते हैं प्रकृति असेसमेंट में हेल्प करती हैं, जो आपके जनरल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स होते हैं या फिर आपकी मेंटल थिंकिंग होती है उस बेसिस पे डिसाइड होता है। और फिर क्या कहते हैं ये जो इसका, अब आप सोचेंगे कि फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक्चुअली आयुर्वेदा में जो मेडिसिंस होती हैं वो हर इंडिविजुअल की अलग अलग कस्टमाइज होती हैं, कि हो सकता है कि हर इंसान की डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं हो सकती है, तो उस हिसाब से उसको मेडिसिंस दी जाती हैं कि वो क्या कितनी अमाउंट में वो मेडिसिंस क्या करता है डाइजेस्ट कर सकता है या कितना ही कितनी मात्रा में उसका इनटेक कर सकता है। तो अब हम आपका कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब गुस्सा कैसा है, जल्दी आता है आपको? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कभी बहुत जल्दी भी आ सकता है, डिपेंड करता है ना सामने से कौन कैसे रिएक्ट करता है। तो इस प्रकृति परीक्षण में हम कई सारे लोगों से मिले और हमने कई सारे लोगों से बात करने की भी कोशिश की, उन्हें प्रकृति के बारे में समझाने की कोशिश की, परंतु उन लोगों ने मतलब बहुत लोग मतलब हिचकिचा रहे थे, समझे भी हमारी बातों को, बट बहुतों ने इग्नोर भी किया और बहुतों ने मतलब डिनाई भी कर दिया कि नहीं हम लोग ये चीज नहीं करते। बट हम लोगों ने अपना लेवल बेस्ट दिया समझाने का कि प्रकृति होता क्या है।
तो परीक्षण के दौरान हमें दो आंटियां मिली और दो एक लड़के भी मिले और एक बहुत डिसेंट सा डॉक्टर भी मिले थे हमें वहाँ पे। आंटियां मतलब हम लोगों ने समझाने की कोशिश की आंटी को, बट वो बहुत इग्नोरेंस मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी वो चीज़ों को। बट फिर जब हमने लिटरेट पर्सन के पास जाना शुरू किया तो वो समझना शुरू किया कि प्रकृति होता क्या है। हमने जब परीक्षण के पास जब तुम गई थी तो उसके बारे में मतलब बताओ, आरती मतलब औरतों ने कैसे रिएक्ट किया आंटी लोगों ने? औरतों मतलब वो बहुत लाइटली ले रहे थे चीज़ों को, हम लोग बस पूछ रहे थे, वो हाँ ना ऐसे कर रहे थे, मतलब वो जिज्ञासा नहीं थी उनके अंदर जाने की कि प्रकृति होती क्या और हम लोग उसके साथ ये परीक्षा कर क्यों रहे हैं। तो इसका ठीक उल्टा हुआ जब हमें एक यंग लोग लड़के मिले, यंगस्टर्स मिले, उनमें मतलब प्रकृति को जानने की काफ़ी उत्सुकता थी, क्योंकि जब हमने उनसे उनकी प्रकृति के बारे में कुछ विचार मतलब सवाल किए तो उन्होंने भी उल्टा हमसे सवाल किया कि इस प्रकृति को हम कर पूछ क्यों रहे हैं, इससे लाभ क्या है, और इससे मतलब उनमें बहुत सारी जागरूकता थी कि इसके बारे में वो और जाने। तो इस ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ लोग आज मतलब लोग प्रकृति के बारे में जानना चाह रहे हैं और उत्सुक हैं। आयुर्वेदा इज एन एटर्नल साइंस विद एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स एंड प्रकृति इज वन ऑफ दीज। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एवरी फैक्टर। तो सबसे पहले हम वात प्रकृति के बारे में बात करते हैं। आचार्य षडंगदर ने वात प्रकृति के पुरुष के कुछ प्रमुख लक्षण बताए हैं। अल्प केश कृशो रूक्षो वाचाल मानस आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नर। अर्थात आचार्य षडंगदर ने वात प्रकृति के नर के कुछ प्रमुख लक्षण बताए हैं, जैसे वात प्रकृति के पुरुष के सिर पर कम बाल होता है या दुबले पतले आकृति वाले होते हैं, इनका स्वभाव चंचल होता है और ये इनके शरीर रूखे होते हैं, अर्थात इनके जो पाल्म होते हैं और टोज होते हैं वो रूखे होते। लक्षण बताए हैं जिस व्यक्ति के केश असमय हम लोग के पक जाते हैं, जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्रोध करता है और जिसके मतलब स्वेद या पसीना अधिक आता है, और जो बुद्धिमान होते हैं और उसके सपने ज्योति लोक वस्तु के देखता है, तो वो हम लोग के पित प्रकृति वाले लक्षण होते हैं। तो आइए अब हम कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण देखते हैं। तो इसे हम एक श्लोक से समझने की कोशिश करते हैं जो कि षडंगदर ने दी है। गंभीर बुद्धि स्थूलंग स्निग्ध केशो महाबल स्वप्ने जलाशय लोकी श्लेष्म प्रकृति को नर। अर्थात यह गंभीर बुद्धि यानी सीरियस पर्सनालिटी वाले होते हैं, ये जो चीज एक बार सुन या याद कर लेते हैं वह इनके दिमाग में बहुत ही मंदता से इनके दिमाग में घुसती है, परंतु यह लंबे समय के लिए उनके दिमाग में स्थिर रूप से विद्यमान रहती है। स्थूलंग अर्थात इनके जो अंग होते हैं वो स्थूल होते हैं। स्निग्ध केश यानी कि इनके जो बाल होंगे वो लक्षरस होंगे, शाइनिंग होंगे, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर के होंगे। महाबल यानी कि इनमें बल की बहुत अत्यधिक मात्रा में बल विद्यमान रहता है। जब हम प्रकृति विवेचन की बात करते हैं तो सामान्यतः शारीरिक लक्षणों को मानसिक लक्षणों को दरकिनार कर देते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के मूल कारण सत्व रज तम त्रिगुणात्मक है, अतः इनसे मनुष्य स्वभाव के परिवर्तन होते हैं। चरक ने सात्विक राजसिक और मानसिक को मानसिक प्रकृति माना है और इसके अंतर्गत भी भेद बताए हैं। सात्विक प्रकृति में 7, राजसिक में 6 और तामसिक में 3 भेद होते हैं। सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, लक्ष्मी संपन्न, जागरूक, इतिहास एवं पुराण पाठ में संपन्न होते हैं। राजसिक प्रकृति वाले व्यक्ति आलसी, डरपोक, दुखी स्वभाव वाले होते हैं तथा तामसिक प्रकृति वाले व्यक्ति मूर्ख, चंचल, स्मरण शक्ति में कमजोर होते हैं। अब हम प्रकृति की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। काया नाम आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र होने के कारण प्रकृति का लक्ष्य चिकित्सा है। चिकित्सा में औषध, आहार तथा विहार का समुचित प्रयोग किया जाता है, जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और आतुर व्यक्ति की चिकित्सा की जा सके। आयुर्वेद में प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा अलग अलग प्रकार से की जाती है, जैसा कि कहा गया है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्यम, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। काया नाम प्रकृति ज्ञातवा तु अनुरूपाम क्रियाम चरित, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि प्रकृति के लक्षण को जानकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी।